उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होवे को नाम नहीं ले रही हैं। गैंगस्टर के आरोपी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक यादव, उनकी पत्नी, भाइयों और पुत्रों की करोड़ों की संपत्ति प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्क कर दी। उनके इंद्रप्रस्थ आवास समेत लगभग 1,88,00,000 रुपया कीमत की तमाम संपत्तियां सील करके जब्ती की कार्रवाई करी गई है। कपड़ा पकड़ लो, कपड़ा सफेद कपड़ा हुआ रखा हुआ थोड़ा बेटा, और पीछे थोड़ा पीछे भी आए ना, बस स्मृति ला तुम भी वही बनवा। पिछले 13 सितंबर को 1,80,00,000 रुपया की संपत्ति कुर्क करवे के आदेश दिए गए थे और सामूहिक बलात्कार समेत कई सारे मुकदमों के आरोपी तिलक यादव की मुश्किलें अब इस संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के बाद और बढ़ गई हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ये 13/9/2022 के क्रम में जो है ना कुर्की की जा रही है, तो उसकी प्रोसेस अभी चल रही है, बाकी डिटेल जानकारी प्रोसेस होने के बाद आपको देंगे। कितने की कुर्की है और किसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई जो है वो तिलक यादव जी के खिलाफ हो रही है, खुद श्री गोकुल यादव उनके खिलाफ हो रही है। कितनी संपत्ति है? लगभग 1,88,00,000 की, 1,00,000 की है लगभग। इन्हीं की है कि इनके भाई और पुत्रों की भी है? अब इन्हीं की है, लगभग इन्हीं की प्रॉपर्टी है, बाकी भी प्रोसेस चल रही है, पूरी कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आपको बता। ओके सर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर नज़रें टेढ़ी हैं, जिन पर भी आपराधिक मुकदमा है या जिनको आपराधिक इतिहास है, उन पर कछु ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। सर्वोत्तम निर्माण के लिए मैसन सीमेंट।